नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का वीडियो है 5075 ई जॉन डियर का ट्रैक्टर है, CRDI सिस्टम के साथ ट्रैक्टर है। तो भाइयों फुल डिटेल बताऊंगा, क्यूबिक कैपेसिटी हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। भाइयों इस ट्रैक्टर के वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इसकी डिटेल्स जो है बहुत सी कम वीडियोज़ में है। तो जो मेरे भाई इस ट्रैक्टर का पूरा रेट कीमत की भी बात करें, तो भाइयों कितने मॉडल हैं, क्या क्या विकल्प हैं, तो पूरी बात करेंगे। तो भाइयों सबसे पहले इंजन आपको मैं दिखाता हूं कि कैसा है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, और इंजन के बाद भाइयों पूरी सारी बात करेंगे। तो अनुज भाई हैं हमारे साथ, अनुज भाई बोनट खोल लो ट्रैक्टर का। तो भाइयों इस तरीके से जो है इंजन के साथ पावर बढ़ाने के लिए हर तकनीक का उपयोग करा गया है जी इसमें। तो भाइयों टर्बो, इंटरकूलर और जो है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सब कुछ दिया गया है जी। और ऊपर जो है कैटालिक कन्वर्टर है, जो कि नॉर्म्स के हिसाब से कंपनियों को लगाना पड़ता है। भाई स्पेसिफिक डिटेल जो है अभी बतानी शुरू करूंगा, पहले जो आप इसकी बणतर देख लो जी। तो भाई पहले आपको मैं दिखा दूँगी, एयर क्लीनर है, सारे भाई जानते हैं। भाई 75 HP के हिसाब से थोड़ा छोटा लगा रखा है कंपनी ने। तो जो खामियाँ लग रही हैं भाई, खामियाँ भी सारी बात करेंगे। तो 75 HP के हिसाब से तो भाई ये आ जाता है आपका डीजल कूलर। तो यहाँ पे है जो डीजल टैंकी में ठंडा होके जाता है जी, जो वापसी आती है तो डीजल भी को भी ठंडा करा जाता है, कहीं ना कहीं इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकंड चीज़ आ जाती है भाई इंटरकूलर, इसको पावर बढ़ाने के लिए यूज करा जाता है जी, टर्बो के साथ इंटरकूलर, जो कि हवा को ठंडा करके इंजन में भेजता है, जिससे कि ब्लास्टिंग बेहतरीन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इंजन तक पहुँचती है। अब ये जो है जी, ये जो पावर स्टेयरिंग के पाइप हैं जी, जो पावर स्टेयरिंग का ऑयल है वो हवा वाले एरिया के सामने रखा जाता है, जिससे कि ऑयल जो है लंबे समय तक काम करने पे ठंडा बना रहे। तो भाइयों इंजन की बात करें तो 75 HP का ये इंजन है जी, 55.9 KW बनती हैं, 2100 रेटेड RPM 3 सिलेंडर इंजन है। तो भाइयों HPCR फ्यूल जो इंजेक्शन प्रणाली के साथ ये इंजन है, पावर टेक डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्जर इन लाइन FIP ओवरफ्लो रेजर वायर के साथ कूलेंट जो है वो है भाइयों, कूलेंट यानी कि लिक्विड जो से जो है ठंडा होने वाला ये इंजन है। शुद्ध हिंदी में भाइयों शीतलकरण बोल लेते हैं कि भाई जो कूलेंट से जो है ठंडा होता है। तो भाइयों जॉन डियर के ट्रैक्टर थोड़े कीमत में महंगे होते हैं, पर जो भाइयों टेक्निक है बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है भाइयों, बहुत ही बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल करा गया है, बिल्कुल है लेटेस्ट। तो भाइयों बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है, 6 महीने की, इसी महीने की ट्रैक्टर की जो है मैन्युफैक्चरिंग है। ये है जी इंजन की प्लेट, ये देखो जी भारत स्टेज जो है ट्रैम्प 4 के अनुसार ये इंजन जो है नॉर्म्स कंट्रोल है इस इंजन के, तो बहुत ही बेहतरीन है जी। ये इंजन की प्लेट है भाइयों, सारे भाई ट्रैक्टर की प्लेट भी दिखाऊंगा कि कितनी PTOHP है। तो भाइयों सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है कम जगह में, कम से कम जगह का कि उपयोग करके लगा रखा है। ये ड्यूल लाइन रोटरी अपना जो है टुल्लू पंप बोल देते हैं जिसको, तो ये पंप है इसका, और यहाँ पे ये कॉमन रेल है अंदर, और ये इंजेक्टर्स में ऊपर जो है सप्लाई जा रही है। तो भाइयों टर्बो की अगर बात करें बहुत ही छोटा सा साइज। तो भाइयों ये तो थी इंजन की बात, बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है जी सारी, एन देखो भाइयों जो इंजीनियरिंग का एन पूरा उपयोग करा गया है, बॉडी इसकी कहीं भी नहीं जाने वाली है लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आम देसी ट्रैक्टरों की तरह कोई खटखटाहट होगी या कुछ भी, वाइब्रेशन टेस्ट भी इस ट्रैक्टर का। तो भाइयों बहुत सारे विकल्प हैं इस ट्रैक्टर में, अब मैं आपको इसका ऑपरेशनल एरिया दिखा दूँ भाइयों। तो ABCD यानी कि हाई लो जो है 4 है, और आपके 4 ही गेयर इधर आ गए। तो भाई इसमें 4 गेयर आपको रिवर्स मिलेंगे और 12 गेयर जो है आपको फॉरवर्ड के मिलेंगे। और भाई जो पार्किंग है यानी कि हैंड ब्रेक है वो जॉन डियर में इसी मेन लीवर के अंदर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कामयाब है जी। तो भाई इसमें आपको दो तरह की पावर मिल जाएगी भाई, ये जो है इको मोड, यहाँ पे जाके ट्रैक्टर जो है रोड वगैरह पे खाली लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड मोड अगर हमें ज़्यादा लोड पे चलाना है। तो भाई यहीं से जो है इसकी पावर कम ज़्यादा हो जाएगी। पावर क्या भाई, साथ में डीजल कंजप्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई स्टैंडर्ड मोड पे डीजल ज़्यादा लेगा, इको मोड पे डीजल कम लेगा। तो भाई ट्रैक्टर CRDI सिस्टम के साथ है, तो चाबी से स्टार्ट और बंद होने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे चाबी है जी, चाबी लगाते हैं, बहुत सारी चेक लाइट आ रही है ट्रैक्टर की। तो
भाई कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं लग रही स्लो पे, तो रेस वगैरह करके देखते हैं जी कितनी रेस है। पे भी आपको लाइट मिलेगी जिसमें जैसे ही रात में हरे रंग की लाइट आ रही है, और भैया जो बंद करने का विकल्प है वो चाबी से ही ट्रैक्टर में बंद हो जाता है। तो भाई ये बहुत सारे विकल्प हैं, टिल्ट स्टेयरिंग बोला जाता है जिसको, ये देखिए ये भी आपके पास विकल्प मौजूद है जिसमें, और ये वैकल्पिक है भाई, ये आप ले भी सकते हैं, अगर नहीं लेंगे तो कीमत कम हो जाएगी। सस्पेंडर टाइप क्लच ब्रेक हैं जी, हीट गार्ड लगे हुए हैं। तो भाई वो 4x4 का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे जो है इकोनमी और जो है पीटीओ के चक्कर घट बढ़ जाते हैं, और ये जो है भाई ये पीटीओ का इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है। तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, जॉन डियर का जो ऑपरेशनल एरिया होता है बहुत ही बढ़िया होता है। अब भाई हाइड्रोलिक की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी मेन फीचर है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्विच से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं जी, जो पीछे वाली लाइट है सब कुछ भाइयों यहाँ पे दे दिया गया है, ये सेम यही लीवर्स वाला ही काम करता है यहाँ से। तो ऑब्जरीवाल 75 HP के हिसाब से दो हैं जी, चार होने चाहिए। सभी भाई जानते हैं कि जो डीजल टैंक है जॉन डियर का प्लास्टिक का पिछली साइड आता है। और भाइयों जी लिफ्टिंग कैपेसिटी, अगर आप एक्स्ट्रा आर्म लेते हो तो 2500 kg की क्षमता है, और बिना आर्म रेस्ट के 2000 किलो की, यानी कि 20 क्विंटल की इसकी लिफ्टिंग क्षमता है। तो अलग से आर्म रेस्ट लग जाती है इसमें, जिस तरह की आपका न्यू हॉलैंड में लगती है। और यहाँ पे देखो भाइयों ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रखा है जॉन डियर ने इस चीज़ का। भाइयों मैं हमेशा से ही जो है हर तरीके का आपको विकल्प मिल जाएगा, इसमें कोई जर वगैरह नहीं लगती। और ये वाला जो भाइयों ईजी हिच के नाम से जो फीचर आता है, यहाँ से आप लिफ्ट को ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। अब भाइयों इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, तो 75 HP के हिसाब से जो है 18x28 के पिछले टायर है जी, काफ़ी बड़ा साइज है भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर वाले टायर हैं। और अगला जो टायर है भाइयों 12x24 का बड़ा टायर है। तो लुक की बात करें भाइयों तो लुक बहुत ही बेहतरीन दे रहा है ट्रैक्टर भाइयों। ये जो क्रोम वाला सिस्टम है ना, बस पूछो ही ना, लाइटें वगैरह LED लाइटें हैं जी, तो बिल्कुल एन जो ट्रैक्टर की लुक होती है भाइयों उस पर बड़ा ध्यान दिया गया है भाइयों। मुझे इसकी लुक बहुत पसंद आई, जिस भाई को इस ट्रैक्टर की लुक अच्छी लगी हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना भाइयों। और जॉन डियर का अपना मैन्युफैक्चर फ्रंट हिस्सा होता है, ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया गया है, अभी तक जो है सिंगल एक्टिंग आता था, तो पावर स्टेयरिंग भी बहुत ही बढ़िया है। तो भाइयों इस ट्रैक्टर में अगर आपको लोडर डोजर के लिए ये ट्रैक्टर लेना है तो PR क्लच, पी पावर रिवर्सर बोल देते हैं जॉन डियर वाले, यानी कि ऑयल क्लच ट्रैक्टर मिल जाएगा आपको, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे इसमें आपको ट्रैक्टर में विकल्प मिल जाएंगे। तो भाई अब छोटी सी एक टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे ट्रैक्टर की कैसी रोड स्पीड है, कैसा पिकअप। अब बारी आ गई ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव की। तो भाई डी का जो है मैंने दूसरा गियर लगा लिया है ट्रैक्टर का, तो भाई वो बड़े ट्रैक्टर जो जिनमें ज़्यादा बड़े फ्रंट टायर होते हैं कटाई थोड़ी कम ही मिलती है, लेकिन उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया कटाई है जी। टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर का। तो भाई स्टैंडर्ड और नॉर्मल मोड पे इसको जो है उसमें चेक करेंगे। तो भाई रोड पे देखते हैं कि कैसा पिकअप वगैरह है, इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ता है। तो भाई वो टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देखिए ट्रैक्टर की, काफ़ी बढ़िया है जी ट्रैक्टर में। तो भाई वो विकल्पों की अगर बात करें तो काफ़ी सारे विकल्प आप इसमें ले सकते हो, जैसे कि पावर रिवर्सर है, टिल्ट स्टेयरिंग है, आर्म रेस्ट है, 2000 से लेके 2500 kV तक kg तक की लिफ्ट कैपेसिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जॉन डियर ने काफ़ी शानदार चीज़ बनाई है जी, आप देख सकते हैं भाई। मुझे जो सबसे पसंद आई ट्रैक्टर की लुक पसंद आई, तो आपको इस ट्रैक्टर में क्या बेहतर या क्या ख़राब लगा वो भी कमेंट में जरूर